वेलकम टू बीटीएस न्यूज, मैं सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हैं बीटीएस न्यूज। आइए देखिए आज की ताजा खबर। गड़ी की बरसात में जो दो दिन से लगातार जो बरसात पुराना पुल से लेके गणेश घाट तक, जो भी नदी के बाजू में जो लोग रहते हैं गरीब लोग, उनको सतत किया गया है। और इस कार्यक्रम में हमारे एमआरओ साहब और आदरणीय लड्डू भाई और उनके पूरे फैमिली, आज जो गरीब लोग जो नदी के बाजू में अपना जीवन बिताते, उन बहुत गरीब लोगों को हम रात के 12 बजे यहाँ पर आए, उन सबको एक रहने के लिए हमारे शंकर भाई लड्डू भाई के जो पूरी फैमिली, उनको रहने के लिए अभी हम लोग को एक 2000 गज पे जो शेड है उसमें उनको रहने का मौका दिया। और हम जितने भी हमारे साथी है लंच का प्रबंध करेंगे, और IAS ऑफिसर भी आने वाले हैं, उन गवर्नमेंट के तौर से भी जो भी गरीबों के लिए होंगे, मैं और MRO साहब है और हमारे कुछ शेल्टर दिए आदरणीय हमारे लड्डू भाई का मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ। और ऐसे बुरे संकट में जो दलित पीड़ित जो यहाँ पर है, ऐसे लोगों की सहायता के मैं दिल के गहराइयों से लड्डू भाई के फैमिली को शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि इकड़ी प्रजलतो मनुस्त मेरंदर दयचे समस्या समय में दयचे मेकते प्रां मे अलाटेंटा कुटू रे रोजल पैन उ मध्यान भोजन रात्रि भोजन मेम प्रभुत्म तरफ ना मरी कॉर्पोरेटर का टाइम मीद भोजन प्रबंध जरूरत काबटी कुटम चल कुछ ఈ పరివాహక ప్రాంతంలో ఉన్నారు, వారికి మేము అలర్ట్ చేయడం జరిగింది. నిన్న నుంచేనే వాళ్లకు ఒక సముచిత ప్రాంతంలో తరలించడానికి నిన్న నుంచి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఈరోజు దాదాపు ఏదైతే పరివాహక ప్రాంతంలో నేటి ఒడ్డున ఉన్నటువంటి ప్రజలను లడ్డుబాయి యొక్క షెడ్ ఇచ్చారు, అక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. అంతేకాకుండా 2 బెడ్రూమ్లో ఉన్నటువంటి పార్కింగ్ ప్లేస్లో కూడా వాళ్లకు షెల్టర్ గురించి అకామిడేట్ చేయడం జరిగింది. మధ్యాహ్న భోజనం కూడా MRO గారు నేను పిలిచి కూడా వాళ్ళకి చేయడం జరిగింది. నైట్లో కూడా వారికి భోజన వ్యవస్థ చేయడం జరిగింది. ఏ నది అయినా అన్న इसमें क्या है बोलते, पब्लिक पूरा कहीं देखने को आ रही नजदीक से, तो आप अपने पब्लिक को क्या मैसेज देना अभी चाहिए? अभी मैं छोटे बड़े कर रहा हूँ, ये देखने का शो नहीं है, ये कोई पार्किंग प्लेस नहीं है, ये भयंकर नदी छूटी है जिन्हें हम लोग बचपन में देखे थे। आज जो नदी छूटी बहुत सालों के बाद है, ये और बढ़ते जाएगा और 2 दिन पानी गिरने का माहौल है। गवर्नमेंट भी पूरी आवाम को कह रही कि सतत हो जाओ और अपने आप के फैमिली को लेके एक अच्छे प्रांत में रहने के आज से रिक्वेस्ट करें। आशा करता हूँ कल भी पानी का मौका है, लेकिन जितने भी गरीब लोग ऊपर जाए, मैं लड्डू भाई का आभारी हूँ जो उन्होंने शेल्टर दिया और उनके फैमिली रात के 12 बजे मेरे साथ काम किए। मैं MRO साहब का और लड्डू भाई के फैमिली का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद। नमस्ते भाई, पलटी
దాదాపు 9 కూలిపోయినాయి. వారికి ఎంఆర్ఓ గారు పోయి ఇన్స్పెక్షన్ చేయడం జరిగింది. వారి పేర్లు కూడా రాసుకోవడం జరిగింది. తగిన పారితోషికం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం ఒక్కటే ప్లేస్ మీద ఉన్నాం. మెడికల్ ఏమో ఇంకేమన్నా మెడికల్ అనిపించినా కూడా ఎందుకంటే క్లైమేట్ కాబట్టి ఉంటుంది మీ పిల్లలకు.